हेलो नमस्कार, मुझे एक टॉपिक दिया गया है इसी फोरम में कि वाइफ स्वैपिंग पे वीडियो बनाइए। वाइफ स्वैपिंग जितना सुनने में अजीब लग रहा है, इमेजिन करिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम अपनी वाइफ को कैसे कन्विंस करें वाइफ स्वैपिंग के लिए, या मेरे क्या ओपिनियंस हैं उसको लेकर। तो ये मजेदार वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेकर आ गई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्सुअल काउंसलर हूँ। अपनी वीडियो के माध्यम से सही जानकारी सेक्स से संबंधी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले, आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे और वीडियोस लेकर आप लोगों तक पहुंचती रहूंगी। अंत तक देखना है इस वीडियो को और अपना प्यार देते रहना है। तो चलिए, मैं बात कर रही थी वाइफ स्वैपिंग की। वाइफ स्वैपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि कपल्स आफ्टर मैरिज या जब वो रिलेशनशिप में होते हैं तो इसे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने पार्टनर्स को सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए, सेक्सुअल अराउजल्स के लिए। जितना ये नाम देखने में अजीब लग रहा है, उतना ही मुश्किल होता है इसे एक्सेप्ट करना। ये प्रैक्टिस वेस्टर्न कल्चर्स में या पॉर्न साइट्स पर देखना बहुत कॉमन है। इस तरह की फैंटेसीज भी आपको मेल पार्टनर्स में मिल जाएंगी। बट अगर अब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि कैसे कन्विंस करें, मैं उन सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज भी जब आप अपनी वाइफ को चुनाव के लिए जाते हैं, अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढने जाते हैं, तो उसके अंदर किन क्वालिटीज को ढूंढते हैं। बहुत से ऐसे मेल्स हैं जो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ वो मेरे पेरेंट्स की सेवा करेगी या नहीं करेगी, मेरे घर का ध्यान रख लेगी या नहीं करेगी, फाइनेंशियली मुझे मदद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मेरे साथ उसका इमोशनल कनेक्शन बैठेगा या नहीं, देखने में कैसी है, मेरी सोसाइटी में अडेप्ट कर पाएगी या नहीं, हमारे परिवार के कल्चर्स को अडेप्ट करेगी या नहीं। अगर वो इंडियन सोसाइटी का मेल ये क्वेश्चन करता है कि वाइफ स्वैपिंग के लिए मैं अपनी वाइफ को कैसे कन्विंस करूं, वो अपने अंदर जाकर ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करे, क्या जब मैंने वाइफ चूज की थी आज की सोसाइटी में, जहां आज भी हम लड़की चूज करने से पहले उसके संस्कारों को, उसके कल्चर्स को देखने की कोशिश करते हैं, वहां हम वेस्टर्न कल्चर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को कन्विंस कर लूंगा वाइफ स्वैपिंग के लिए। ये क्वेश्चन मेरा ओपिनियन लेने से पहले आप खुद से पूछिए। अगर आपको ऐसी कोई फैंटेसी है भी कि मुझे वाइफ स्वैपिंग इंजॉय करना है ताकि मैं उसकी वाइफ के साथ सेक्स कर सकूं या वो मेरी वाइफ के साथ सेक्स करे, उनसे ये पूछिए कि क्या आप किसी और की वाइफ को चूज कर पाएंगे शादी करने के लिए। इस तरह की फैंटेसीज को पनपने ना दीजिए। बीइंग अ फीमेल, मैं अपना ओपिनियन बहुत अनबायस्ड रख रही हूँ। अगर आपकी ऐसी कोई फैंटेसी भी है तो उसे अपने अंदर रखें ताकि आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका कल्चर, आपके बड़े भी परेशान ना हो। वेस्टर्न कल्चर्स में या जो लोग इसे बहुत हाई ट्रेंड मानते हैं, वो जब ऑर्गेज्म के लिए एक्सचेंज करते हैं, उसे देखने में आपको जितना स्टिमुलेशन आता है, उससे ज़्यादा ये चीज़ें पॉर्न वेबसाइट पर फेक होती हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह की फैंटेसीज़ को धीमे रखिए ताकि ये आपको भी प्लेजर के रास्ते में ना आए, साथ साथ अपनी वाइफ को सेक्स टॉय ना मानते हुए उनको रिस्पेक्ट करें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बिठाएं, और आप महसूस करेंगे कि आप जब भी सेक्स परफॉर्म करेंगे तब तक आपको उनके साथ एक नया फीलिंग आने लगेगा। वाइफ स्वैपिंग इज अ बिग नो इन इंडिया। जहां छुपके हो रहा है, जो लोग ट्रेंड के कारण कर रहे हैं, शायद उनके लिए अपनी वाइफ से एक रिस्पेक्ट या इमोशनल कनेक्शन बनाना या डेवलप करना इतना मायने नहीं रखता होगा। लेकिन
लेकिन अगर आपका पार्टनर और आप दोनों कंसेंट देते हैं इस चीज को कि मैं भी करना चाहती हूँ और वो भी करना चाहते हैं, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है और आप डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। लेकिन एज एन एक्सपर्ट अगर आप मुझे इस पर एडवाइस देने के लिए बोलेंगे, देन वाइफ स्वैपिंग करने से पहले ये सोचें कि किस तरीके की वाइफ, किस तरह की वाइफ से मैं शादी करना चाहता था। आशा करती हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों तक पहुँच पाया होगा। रिस्पेक्ट योर पार्टनर, लव योर पार्टनर, सी व्हाट योर पार्टनर नीड्स इज हाईली हाईली इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्नाइजेशन के पीछे जाने से पहले खुद के कल्चर को एक्सेप्ट करना सीखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊँगी। मैं डॉक्टर नेहा मेहता, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी अगर आपको वीडियोस और पसंद हैं तो सब्सक्रिप्शन करना होगा। लाइक करें, शेयर करें, बहुत जल्दी एक और वीडियो।